नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज आपके सामने यूपी टेट से संदर्भित समास के अपने दूसरे लेक्चर के साथ मैं रूबरू हो रहा हूं। तो आप सभी लोगों का हमारे बीच में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में बात कर रहे थे और अव्ययी भाव समास में कल हम लोगों ने चार रूल पढ़े थे। आज हम लोग और भी बातें करेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में, और इतना ही नहीं, इसके अलावा हम अव्ययी भाव समास के उन दोनों भेदों के बारे में भी बात करेंगे जो प्रायः विद्वान मानते हैं। हालांकि इस तरह के प्रश्न अभी तक कभी परीक्षाओं में पूछे नहीं गए हैं कि अव्ययी भाव समास के कितने भेद होते हैं, लेकिन अव्ययी भाव समास के दो भेद होते हैं जिसके बारे में हम अंत में बात करेंगे जब हम लोग अव्ययी भाव समास के सारे रूल्स पढ़ लेंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे बीच में स्वागत है, और आप लोग कमेंट पर ज्यादा फोकस मत किया करिए, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। इसलिए कोशिश ये करिए कि आप अपने मोबाइल को सही तरीके से पूरे डिस्प्ले के साथ देखने की कोशिश करिए, तो कॉन्सेप्ट आपके ज्यादा सही होंगे और चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर चूंकि ये लाइव क्लास चल रही है तो कमेंट्स का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, फिर भी आप सभी लोगों का हमारे बीच में स्वागत है। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग लिंक को एक बार शेयर करिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकें। तो कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था कि अगर किसी समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो लेकिन वह किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ हो तो वह हमेशा उस व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या बताता है, विशेषता बताता है। और ऐसे पदों से युक्त जो समस्त पद होते हैं ये भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। आइए आज अपने अगले रूल पर बात करते हैं हम लोग। रूल नंबर 5 पर बात कर लेते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि यदि किसी समास का पहला पद कोई उपसर्ग हो तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। तो सबसे पहले इस रूल को भी पढ़ लेते हैं। यदि किसी समास का पहला पद कोई उपसर्ग हो यहां मैं कोष्टक में लिख दे रहा हूं अ अन न नकारात्मक उपसर्गों को छोड़कर नकारात्मक उपसर्गों को छोड़कर तो यदि किसी समास का पहला पद कोई उपसर्ग हो तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। यहां दो तीन चीजें आपको बतानी जरूरी है। अमूमन देखा जाता है कि अगर नकारात्मक उपसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ होता है तो ऐसे में वह नय तत्पुरुष समास बन जाता है। अगर नकारात्मक उपसर्ग से किसी समस्त पद का प्रारंभ होता है तो ऐसे में वह नय तत्पुरुष समास बन जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर विकल्प में नय तत्पुरुष समास नहीं रहेगा तो ऐसे में वह अव्ययी भाव समास माना जाता है। तो यह डिपेंड करेगा विकल्प पर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम आपको समास पढ़ा लेंगे तब, कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और कैसे आपको हल करना होगा।
क्योंकि समास में जो चार विकल्प आते हैं उन चार विकल्पों में आपको सर्वश्रेष्ठ समास की पहचान करनी होती है, तो ऐसे में आप उनमें सबसे बेहतर ऑप्शन कैसे चुनेंगे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम समास के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर अ, अन, न, ये सब नकारात्मक उपसर्गों से अगर किसी शब्द का प्रारंभ होता है तो ऐसे समास कौन से समास कहलाते हैं? नय तत्पुरुष समास कहलाते हैं। लेकिन नय तत्पुरुष समास अगर विकल्प में नहीं रहता है तो ऐसे में वह अव्ययी भाव समास बनता है। तो ध्यान रखिएगा, अब हम जैसे करके यहां एक दो उदाहरणों पर बात कर लेते हैं। जैसे अनुवाद, तो अनु यहां पर क्या है? उपसर्ग है। हमने यहां लिख दिया उपवास, उप यहां पर क्या है? उपसर्ग है। हमने लिख दिया प्रत्याहार, प्रति यहां पर उपसर्ग है। हमने लिख दिया उपपद, उपपद यहां उप क्या है? उपसर्ग है। तो हमेशा याद रखिए, ऐसे सभी समास जिनका पहला पद कोई उपसर्ग रहता है वो हमेशा अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ठीक है, अनुदिन, प्रतिदिन, तो ये सब सब क्या हैं? आपके उपसर्ग से शुरू होने वाले हैं। सपरिवार, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी उपसर्ग से कोई शब्द शुरू होगा तो ऐसे समस्त पद हमेशा क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। मुझे लगता है ये रूल भी आप समझ गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने रूल की तरफ, अगले रूल की तरफ। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग लिंक को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकें। और सभी लोगों का हमारे बीच में स्वागत है। शिल्पा जी, पीजीटी पीजीटी हिंदी की क्लास आपकी चलती है 2 से 3, और आदिकाल का 25वां लेक्चर भी मैंने ले लिया है, 26वां भी ले लिया है। आप YouTube पर देख लीजिए और अपना नोट्स बना लीजिए। 2 से 3 आज जो है हम फिर क्लास लेंगे और आज आपका आदिकाल समाप्त हो जाएगा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। 2 से 3 मिलते हैं। और अभी फिलहाल हम लोग समास पर बात कर रहे हैं, तो आइए एक अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 पर बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि किसी समास का पहला पद कोई अव्यय हो, अथवा दोनों पदों में से कोई एक पद अव्यय हो, तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे मैंने कहा, या तो पहला पद अव्यय हो और या तो दूसरा पद अव्यय हो, दोनों में से कोई भी एक पद अगर अव्यय होगा तो वह अव्ययी भाव समास होगा। जैसे हमने लिख दिया
यथाशक्ति शक्ति के अनुसार यथा योग्य योग्यता के अनुसार निर्देशानुसार निर्देश के अनुसार निर्देश के अनुसार जीवन पर्यंत। यहां देखिए दूसरा पद अव्यय है, जीवन पर्यंत माने जीवन भर, और यहां तक कि जीवन भर भी आपका यही होगा, जीवन भर वही मतलब हुआ। यावत जीवन जब तक जीवन रहे, ये सब आपके क्या हैं, ये सब भी अव्ययी भाव समास हैं, क्योंकि इनमें से कोई एक पद क्या है, अव्यय है। ठीक है, आइए अपने अगले रूल पर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, जहां भी आपको दिक्कत हो। आवाज तो ठीक जा रही है प्रतिमा जी? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पर, सातवें रूल पर बात करते हैं। अब यदि किसी समास के दोनों पद एक ही शब्द हो, एक ही शब्द की आवृत्ति हो, और उनके बीच में न शब्द का प्रयोग हो, शब्द कहना ठीक नहीं है, और उनके बीच में न का प्रयोग हो, तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं है, जैसे हमने लिख दिया कहीं न कहीं कभी न कभी तो ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाया करिए, देखते जाया करिए, कोशिश ये किया करिए कि क्लास के दौरान ही लिख लिया करिए, तो उससे आपका समय बच जाएगा और चीजें आपके जेहन में सही तरीके से आ जाएंगी। बाद में आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट रूल पर बात करेंगे और रूल नंबर है 8। यदि किसी समास का पहला पद क्रियापद हो और दूसरा पद पूर्वकालिक पूर्वकालिक कृदंत कर हो तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पहला पद क्रिया होगा और दूसरा पद क्या होगा, पूर्वकालिक कृदंत कर होगा, तो ऐसे पद हमेशा अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे हमने लिख दिया लिख कर, तो पहला पद लिखना क्या है क्रिया और क्या कर क्या है पूर्वकालिक कृदंत, इसका मतलब पूर्वकालिक क्रियाएं भी क्या होती हैं अव्ययी भाव समास होती हैं। पढ़कर, दौड़कर, रोकर, हंसकर, भागकर, ये सब सब क्या हैं, ये सब भी अव्ययी भाव समास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अगले रूल की तरफ, मुझे लगता है लिख लिया है आप लोगों ने, और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन आ सकें, क्योंकि आपका सहयोग नितांत अपेक्षित है और आपका यह सहयोग हम सबका उत्साहवर्धन करेगा। तो रूल नंबर 9 पर बात करते हैं। जिस समास का पहला पद क्रियापद हो तथा दूसरा पद हुए हो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे पढ़ते हुए दौड़ते हुए लड़ते हुए, वैसे भी ये सब क्रिया विशेषण का कार्य करेंगे तो ये भी इसी के अंतर्गत आएंगे।
बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। आइए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। सबका स्वागत है। और एक और रूल पर बात करते हैं। ये दसवां रूल है हमारा। अगर किसी समास के यदि किसी समास के दोनों पद अनुकरणवाची शब्द हो तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। अनुकरणवाची शब्द का मतलब होता है जो ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं। जब हम बोलते हैं तो जैसे कोई ध्वनि हो, जैसे दरवाजा कोई खटखटा रहा है तो खटखट, तड़तड़, पड़पड़, चट चट, तो ये सब क्या है? अनुकरणवाची शब्द है। और ये अनुकरणवाची शब्द भी क्या होते हैं आपके? ये भी अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लिख दिया खट खट, चट चट, पट पट, धड़ धड़, टर टर, तो ये सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई तो हो रही है और जब कोरोना काल में आप लोगों के पास इसके अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है, तो अभी तो ऑनलाइन ही आपको पढ़ना होगा। ये सही है कि ऑफलाइन का कोई सानी नहीं है, और ऑफलाइन में जो प्रेजेंटेशन होता है, ऑफलाइन में जो आई कांटेक्ट बनता है, उन सब का बड़ा महत्व होता है। लेकिन हारे पर हरिनाम, जब कोई व्यवस्था नहीं है, जब कुछ हो नहीं सकता है, तो ऑनलाइन तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। मैं समझ सकता हूं कि मोबाइल फोन पर इतने देर तक चिपके रहना बड़ा आसान काम नहीं है और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए हमें और आपको इन चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा, इनके साथ हमको समझौता करना ही पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक तो हमने अव्ययी भाव समास के बारे में बात किया। देखिए, विद्वानों ने अव्ययी भाव समास के दो प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए, हालांकि ऐसे प्रश्न अभी तक कभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अगर आपसे कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाए कि अव्ययी भाव समास के कितने भेद होते हैं, तो अव्ययी भाव समास के दो भेद होते हैं। एक तो है आपका नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास, और एक है आपका अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास के दो भेद भी होते हैं। ये हो सकता है कि कभी आपसे पूछा जाए, लेकिन अगर नहीं भी पूछा जाता है तो एहतियातन आप इन चीजों को जानते रहिए। मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैंने आपको अव्ययी भाव समास के 10 रूल पढ़ाए,
और मुझे लगता है कि अब आपको अव्ययी भाव समास में कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अब मैं यहां आपके सामने अव्ययी भाव समास के उन दो रूल्स के बारे में बात करूंगा जो मोटे तौर पर अव्ययी भाव समास के रूल माने जाते हैं। और अगर कभी किसी भी स्तर की परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि अव्ययी भाव समास के कितने भेद होते हैं तो आपका जवाब यही होगा। अव्ययी भाव समास के भेद, तो इसके दो भेद माने जाते हैं। एक पहला भेद है इसका नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास, और इसका दूसरा भेद है अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास, तो नाम से पता चलता है, आप अंदाजा लगा लीजिए। और इन चीजों को, हाँ, ये सारे लेवल की बात कर रहा हूं उदयराज जी, परेशान ना होइए। और सही बात तो यह है कि आपको समास पढ़ाया जा रहा है, तो समास के जितने रूल्स थे वो मैंने आपको इसलिए लिखवा दिया क्योंकि वहां पर आपसे केवल अव्ययी भाव समास पूछेगा, वहां लेवल की बात नहीं करेगा। तो आप चीजों को जानिए, जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, समास किसी दूसरे लेवल का नहीं है, सारे समास सामान्य हिंदी लेवल के ही है। और अगर आपसे सामान्य हिंदी पूछा जाएगा तो सामान्य हिंदी में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आप उससे ये नहीं कह सकते कि नहीं हमको अव्ययी भाव समास में बस इसी लेवल का पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेवल का मतलब सिर्फ सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी जब इसका नाम है तो सामान्य हिंदी में आने वाली सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। यहां बात लेवल की नहीं है, यहां बात जानकारी की है, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें पहला पद संज्ञा होता है। क्या होता है? पहला पद संज्ञा और दूसरा पद अव्यय होगा। और अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। बस आपको इतना ही इसमें समझना है। जैसे हमने नाम पद पूर्व में एक उदाहरण मैं लिख दे रहा हूं, जैसे निर्देशानुसार, तो निर्देश यहां क्या है? संज्ञा है। और अनुसार क्या है? अव्यय है। तो ये इसके भेद के रूप में आ गया। अब अव्यय पद पूर्व की अगर बात कर लें, ये देखिए यथा योग्य, तो यथा इसमें क्या है? अव्यय है। और योग्य यहां पर क्या है? संज्ञा है। तो यह अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज हम लोगों ने अव्ययी भाव समास को समाप्त कर दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे तत्पुरुष समास की तरफ। और मुझे लगता है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद संज्ञा हो, दूसरा पद अव्यय हो। और अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो। तो यहां मैंने एक एक उदाहरण आपके सामने दे दिया है। पहला दे दिया है निर्देशानुसार, तो निर्देशानुसार में निर्देश संज्ञा है और अनुसार अव्यय है, तो यह आपका नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास हो गया। दूसरा मैंने यहां पर एक उदाहरण दिया है यथा योग्य, यथा यहां पर अव्यय है और योग्य यहां पर संज्ञा है, तो यह अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा जानने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है और न तो इससे ज्यादा कुछ है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप किसी भी चीज को पढ़ें
तो फिर उसमें कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि सामान्य हिंदी का मतलब केवल सामान्य हिंदी होता है और चीजें आपके जेहन में सामान्य हिंदी के लेवल की होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरे समास की और वह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आप जानते हैं कि उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पर, इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं तत्पुरुष के? दो भेद होते हैं, एक तो है आपका व्यधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष को ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसलिए अभी समानाधिकरण तत्पुरुष पर तो बात करेंगे नहीं, व्यधिकरण तत्पुरुष समास जो आपका है यही तत्पुरुष समास का मूल भेद है, और इसलिए अब हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास पर ही बात करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि आगे हमको अब व्यधिकरण तत्पुरुष समास पर ही बात करना है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद से कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके शेष समस्त विभक्तियों का लोप होता है, और व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कुल 12 भेद हैं। इनमें 6 प्रमुख भेद हैं और 6 उसके उपभेद हैं। तो हम एक एक को लेकर के चलेंगे, हालांकि 12 भेद आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो हमको पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे व्यधिकरण तत्पुरुष समास की। ठीक, इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, पहला पॉइंट क्या है इसका कि इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इस समास में
कर्ता कारक तथा संबोधन कारक को छोड़कर पूर्व पद से शेष सभी विभक्तियों का लोप होता है। शेष सभी विभक्तियों का लोप होता है। इसका मतलब यह हुआ कारक की जो 8 विभक्तियां होती हैं उनमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके शेष सभी विभक्तियों का इसमें क्या होता है, लोप होता है। चलेगी नीलम जी, 2 से 3 आपकी क्लास चलती है और आज आदिकाल की लास्ट क्लास चलेगी, 2 से 3 आप आइएगा और आदिकाल 25 और 26 का वीडियो देख लीजिएगा, वो मैंने पढ़ा दिया है। और आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां से आपको सारे लिंक मिल जाते हैं, सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। ज्ञान गंगा इलाहाबाद करके टेलीग्राम पर आप जुड़ लीजिए और सारी चीजें 2 बजे फिलहाल आपकी TGTPSC हिंदी की क्लास चलती है, ठीक है? तो सभी का स्वागत है, 2 बजे हम प्रतीक्षा करेंगे आप लोगों की। आप जरा देखिएगा इधर, तो इस लिहाज से अगर बात करें तो कर्ता कारक तथा संबोधन कारक को छोड़ करके पूर्व पद से शेष सभी विभक्तियों का लोप होता है। आपसे परीक्षा में कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि जिस समास के पूर्व पद से विभक्तियों का लोप होता है कौन सा समास कहलाता है, तो वह आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। तो हम इसके भेदों पर भी बात कर लेते हैं। तत्पुरुष समास के छह प्रमुख भेद तथा छह इसके उपभेद होते हैं। तो सबसे पहले हम इन सारे भेदों को देख लेते हैं। जी श्रद्धा जी, कौन कौन से ये भेद हैं आपके? तो व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद, पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तत्पुरुष पांचवा है संबंध तत्पुरुष, छठा है अधिकरण तत्पुरुष। तो ये 6 इसके क्या हैं? प्रमुख भेद हैं। और इधर देख लेते हैं इसके उपभेद।
उपभेद भी इसके कितने हैं? छह। पहला है उपपद तत्पुरुष, दूसरा है प्रादि तत्पुरुष, तीसरा है नय तत्पुरुष, चौथा है अलूक तत्पुरुष, पांचवा है मध्यपद लोपी तत्पुरुष, और छठा है मयूर व्यंसकादि। मयूर व्यंसकादि है, मयूर व्यंसकादि। तो ये आपके तत्पुरुष, तो इसके उपभेद छह हैं और छह इसके प्रमुख भेद हैं। इसमें हमें यह देखना है क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके प्रमुख भेदों को तो हमको पढ़ना ही है, साथ ही साथ उपपद तत्पुरुष आपको नहीं पढ़ना है, यह कभी नहीं पूछा जाता। प्रादि तत्पुरुष भी आपसे कभी नहीं पूछा जाता। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कहां कहां से पूछा जाता है। यहां से प्रश्न बनता है, इसको आपको पढ़ना है। अलूक तत्पुरुष भी आपको पढ़ना है और मध्य पद लोपी भी आपको पढ़ना है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो यहां आपको मूल रूप से छह और तीन नौ, इन नौ समासों को तो स्पष्ट रूप से इसके बारे में पढ़ना है आपको। बात समझ रहे हैं? तो यह ध्यान रखिएगा, इनमें से हम एक एक समास को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और चूंकि आज का समय धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है, अब धीरे धीरे आपका टाइम भी होता जा रहा है, तो ऐसे में आज मैं इसको छेड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा प्रियंका जी, तत्पुरुष और कर्मधारय में कंफ्यूजन होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष संबंध होगा या उपमेय उपमान संबंध होगा, और तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है पूर्व पद से, तो इसमें कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है। फिलहाल जब मैं पढ़ाता जाऊंगा तो आपके जो प्रश्न आएंगे आप उन प्रश्नों को हमसे करिएगा, और जहां भी आपको कंफ्यूजन रहेगा वहां आप पूछिएगा। आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं तत्पर मिलूंगा आपको, और आप कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं वीडियो खत्म होने के बाद, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए ही हमारी पूरी टीम आपके सामने रूबरू है। तो जब तक आपकी ऑफलाइन क्लासेज नहीं चल रही हैं, तब तक आप लोग पूरे तन्मयता के साथ हमारे साथ बने रहिए और अच्छे तरीके से सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई को अमली जामा पहनाते रहिए। बाकी चीजें धीरे धीरे जैसे ही ऑफलाइन क्लास खुलेंगी तब एक दूसरा मतलब परिदृश्य बन जाता है और एक दूसरा अपीयरेंस रहता है, सारी चीजें बेहतर होती हैं। और ऑफलाइन क्लास का कोई सानी नहीं, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, और इस समय हमारे आपके पास ऑनलाइन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो अभी आप 11 अप्रैल तक वेट करिए, और उसके बाद जो भी जैसा भी शासनादेश आएगा उसके अनुसार हम लोग अपने क्रियाकलापों को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जो भी क्लासेज आपकी ऑफलाइन चल रही हैं उसके आगे से ही क्लासेज कंटिन्यू की जाएंगी। ये जो आपको यूट्यूब पर क्लास दी जा रही है, ये सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपकी पढ़ाई किसी भी स्तर पर बाधित ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।